अच्छा अब हम आ जाते हैं आपकी टिकटॉक की जिंदगी पे टिकटॉक कैसे स्टार्ट की किसने मशरा दिया उसको आज दुआ देती हैं या बदवा निकलती है दिल से <laughs> टिकटॉक मैंने खुद ही स्टार्ट की थी मुझे वैसे ही वीडियोस बनाने का शौक था क्योंकि मैं जिम जाती थी तो वो ज़रा आप मिलते हो ना अच्छे अच्छे लोगों से अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल लोगों से तो वो फिर ज़रा वीडियोस मैंने स्टार्ट की तो राहिमा ने मेरी कंप्लेन कर दी मम्मा को मैंने हटा दी अच्छा फिर दोबारा लगाई फिर इसने मेरी शिकायत लगाई मैंने कहा अब मैंने कहा मूड पकड़ना पड़ेगा मैंने इसको भी टिकटॉक पर लगा दिया <laughs> तो फिर इसने मेरी शिकायत लगाना छोड़ दी फिर मेरी एक वीडियो ऊपर गई मैं आ, दो हज़ार नहीं नाइनटीन में आई थिंक सो के ट्वेंटी में मेरी वीडियो ऊपर अच्छा। गई एक मैं तब ट्रेनर ही ट्रेनिंग कराती थी करते 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 मेरी ओवरबोर्ड पर होवर बोर्ड ओवरबोर्ड ऐसे नहीं मैं तो उस पे वीडियो पर वीडियोज़ ऊपर जाती थी मैंने वो हाइड कर दी हुई हैं तो उस पर तरह तरह की वीडियो होती थी कुछ भी ऐसे नहीं होता था लेकिन उस पर खड़े होकर वीडियो बनाती थी तो उस पर चली जाती थी क्योंकि लोगों लोगो को वो चलाना बहुत मुश्किल लगता है ठीक है तो मैं उसमें जरा वो घूम भी लेती थी मेरा उस पर अच्छा सेट है स्टेबिलिटी थी उसके हाँ तो वो फिर उस उसपे मेरी वीडियोस बड़ी ऊपर जाती थी टेन टेन मिलियन व्यूज आते थे एक एक वीडियो पे सेवन सेवन मिलियन फाइव फाइव मिलियन फोर फोर मिलियन मतलब इससे नीचे की बात पहली वीडियो पे इतने व्यूज आए तो फिर क्या मैं नीचे बैठी थी खाना खा रही थी इतनी खुशी ऐसे नीचे करूँ एक लाख ऐसे नीचे करूँ दो लाख मतलब मैं रिफ्रेश कर रही थी रिफ्रेश री, रिफ्रेश में बार बार दो 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 लाख भरे भर रहे थे एक एक रिफ्रेश पे वन मंथ में या फिर टू मंथ्स हार्डली मेरे वन मिलियन हो गए थे ओके okay. मेरे ऐसे फॉलोवर्स बूस्ट हुए थे लो. और इंस्टाग्राम पे ऐसे मैं सोई हुई थी उठी तो तीस हजार फॉलोअर्स थे मतलब उस टाइम एकदम मेरी आईडी कहते हैं ना मतलब एकदम अरूज आता है अगर आप उसको यूज कर लो लेकिन मुझे यूज़ नहीं करना आया मेरे टू मिलियन हो गए टू मिलियन के बाद आ, मतलब जब वन मिलियन हो ना तो सबको पता चलना शुरू हो गया कि ये इसकी आईडी है ये इसकी आईडी है तो वो घर आना शुरू हो गए घर मेरी वीडियोस आ गई मम्मा को सारी और ये हो गया मेरी मम्मा ने तो बस मैं एक महीना ऐसा था नहीं नहीं मारती नहीं है मैं एक महीना ऐसा था कि मैं उठी तो गालियाँ सोती थी तो गालियाँ उठती थी तो गालियाँ तो अब जब आपको गालियाँ पड़ती हैं तो वो उठते हुए पड़ती हैं सोते हुए पड़ती हैं अः नहीं अब नहीं पड़ती गाली मुझे अब इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्होंने सिक्स मंथ्स के लिए हमारा टिकटॉक बंद करवा दिया था ठीक है मैंने आईडी बंद कर दी थी अपनी तो, तो उसकी नहीं आया वही वही मसला अभी मेरे फॉलोअर्स मैं जिस

हाँ, हाँ, वैसे मिल, में हाँ. या कौन कौन आपको जिसे इंस्पायर होती थी एक सनी नाम है हनी सॉरी हनी करके एसन था होता था है, और मतलब एम जैसन एम जैसन का सारा ग्रुप होता था तो हम सारे वीडियोस बनाते थे लॉर्ड ऑफ फूड के ऊपर ना यस यस तो वहाँ पे वीडियोस बनाते थे हम तो वो करते करते ये सारे थे अब इन सबके फॉलोअर्स के साथ अगर मैं उस टाइम बहुत ज्यादा हाइप थी हुँ, मेरी हुँ, मतलब लेकिन वो उस टाइम मैंने जब आईडी बंद की और इनकी स्टार्ट रही तो मेरे अभी मेरे भी सेवन मिलियन होने चाहिए थे मुझे जो लगता है ओके लेकिन अब उस हिसाब से अब इतने ज्यादा इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है या फिर इतने ज्यादा क्रिएटर्स आ गए हैं इतने ज्यादा इतने ज्यादा क्रेंच कंटेंट आ गए हुए हैं कि अब अगर आप कोई क्रेंच वीडियो ना डालो तो आपकी वीडियो अपनी जाती सही है मतलब ये अगर आप है। ये अब ये अब टिकटॉक की रियलिटी टिक है। अब टिकटॉक इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहा है आप इस ये तरह कहना चाह रहे हैं को प्रमोट कर रहा है टिकटॉक नहीं प्रमोट कर रहा है। ये हमारी लोग हाँ, जो, हाँ, जो हाँ, देखने वाले व्यूज हैं वो देखना ही वो चाहते हैं आप ये कहना चाह रही हैं कि जो क्रिंच किस्म का मटेरियल हो और कंटेंट हो अच्छा उस टाइम पे अगर हम वेरी स्टार्ट पे आए टिकटॉक की लाइफ के ऊपर तो आप लोगों ने एक एक समझ लेंगे तो वो लॉर्ड ऑफ फूड होते थे थी आपके घर में कोई बकरा जिबा होता था तो वो लॉर्ड ऑफ फूड टाइम देखे अब आप फर्स्ट भी लॉर्ड ऑफ फूडी फोर्टी टू पे शो करती रही लॉर्ड ऑफ फूड ही क्यों और उस टाइम लॉर्ड ऑफ़ फूड को चलाने वाले भी आप सभी लोग थे कि जिसने प्रमोट किया और वहाँ पर वीडियोस बनाई क्या इम्पैक्ट आया था उसके बाद लॉर्ड ऑफ फूड पे सेल्स पे और वो लोगों आपकी कदर करते हैं अब उनकी सेल पे तो बहुत फ़र्क आया था जाहिर सी बात है हर चीज़ ही लॉर्ड ऑफ फूड में हो रही थी ऐसे ही एक वो कहते हैं ना रूज को जवाल जवाल को रूज तो वो कोई ना कोई कैफ़े आ जाता है लोग वहाँ पर जाते हैं वीडियोज़ बनाते हैं उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है अब तब लॉर्ड ऑफ फूड का एक अच्छा था और वो उनके ऑनर्स भी बहुत अच्छे हैं अभी भी no उसी तरह अभी भी उसी तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं अगर उनसे मिला जाए तो वो बहुत अच्छे हैं मतलब लॉड ऑफ़ फूड भी अब लॉड ऑफ फूड का नाम कम सुना जाता है उस टाइम उस टाइम तो लॉर्ड ऑफ़ फूड जाना है लॉर्ड ऑफ फूड जाना है लॉर्ड ऑफ़ फूड सुबह दोपहर शाम लॉड ऑफ फूड लॉर्ड ऑफ फूड

<laughs> सही हो गया अच्छा अब उस टाइम पे अगर हम बात करें मैं रैपिड फायर का एक सेगमेंट कर लेते हैं मैं आपको नाम बताता हूँ आपने जो भी फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आएगा आपने एग्जैक्ट वही बोल देना सोचना नहीं है कोई एनिमल वाला सवाल नहीं करना <laughs> लास्ट टाइम किया था मुझे फिर भूल गया मैं ठीक है वो भी सवाल हम दोबारा करेंगे और हम वो रिलेट करेंगे कि हमने उनसे तब भी पूछा था और आज भी पूछा है तो इसका जवाब आपने कैसे दिया ठीक है अब मैं सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे

कुदी बोल खुदी खुदी उसके कुछ ठीक अच्छा, है आगे चलते हैं उसके बाद हम आ, मुझे बताएसिटी डॉक्टर डॉक्टर कपड़े नहीं देती कपड़े नहीं देती वो आते भी नहीं आपको <laughs> आते हैं जो खुले भले होते हैं नहीं देती ठीक <laughs> हो गया उसके बाद रह जाता है एम जे अहमद एमजे अहमद को नहीं मैं इतने अच्छे से जानती है ठीक हो गया पीछे हम डॉली डॉली अजीब मैं उनको आ? भी नहीं जानती अजीब हैं डॉली को नहीं जानती आप <laughs> मतलब मैं मुलाकात नहीं हुई थी इसलिए मेरे लिए फुलू <laughs> फुलू अच्छा है यार अच्छा हम्म नानी वाला क्रेंच <laughs>

लेकिन वो कौन लोग हैं जो इनको फॉलो इस तरह से करते हैं इस इस एक्टिविटी को पूरी को लोग आजकल ट्रेंड क्रिएट किए जाते हैं लोग सस्पेंस इतना बना देते हैं कि बस अब फाइट होने वाली है या फिर अब इसने मतलब हम हमें सब पता है हम छोटे बच्चे नहीं हैं लेकिन हम फिर भी उन बातों में या फिर उन चीज़ों में आ, आ जाते हैं बात करेंगे आप मतलब अभी इतना ज़्यादा टिकटॉक पे चल रहा है जैसे कि ये अभी फाइट हो रही है कि अब इसकी टिकट फाइट की टिकट्स कौन लेता है कि मतलब एक फाइट हो रही है उसकी बेची जा रही है टिकट्स भी बेची जा रही हैं कि जी हम फाइट होगी लेकिन अब वो हुई नहीं उनकी डिले होगी उनका हो गया वो क्या वजह बनी डिले की ये नहीं मुझे पता मैं तो टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए देखती हूँ हु मैं नहीं जानती पर्सनली नहीं पता मतलब टिकटॉक स्क्रॉलिंग में देख रही होती हूँ कि ऐसी ये वीडियोज आ रही होती हैं अब वो कोई वो आगे ट्रिप पर गए ट्रिप पर वो बंदा जिसके साथ फाइट है वो बंदा मिल गया है मतलब ऐसे कोई मेरे साथ क्यों नहीं होता है अच्छा मुझे भी ऐसे कोई लड़का मिल जाए आपके दिल से बात निकली है इस पर भी आएंगे हम पूरे टॉपिक की इस पर डिस्कशन होगी अच्छा मुझे ये बताएं आप कि ये मामला फिर ट्रेंड बना के इससे फ़ायदा क्या लिया जाता है पैसे कमाए जाते हैं फॉलोइंग ली जाती है ऑडियंस की एक दूसरे से इंगेजमेंट आती है होता क्या है इससे फॉलोअर्स आते हैं जैसे अब आ, उस बंद मतलब कुछ हैं जो बोलते हैं कि जी ये गिर गया मेरी गाड़ी पे ये गिर गया उसके कोई फॉलोअर्स नहीं थे मैंने देखा तो पाँच थे तो दो लाख हो गए ओ मई गॉड ठीक है वो तो हमें भी काट गया <laughs> दो लाख वॉलर्स हो गए मतलब एक हाइप जब आप बना देते हो ना किसी की तो लोग फॉलो करते हैं कि यार मतलब लोग मना नहीं करते कि लड़ाई लड़ाई ना करो लोग कहते हैं हाँ हाँ हो जाए हम देख रहे हैं लोग आते हैं लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं लोग इतना ज़्यादा अजीब सा माहौल बना देते हैं मुझे बस वो टिकट पे हैं मुझे टिकट पर बस दो ही लोग पसंद है एक वो पाँच बहन है सिक्सटॉलोजी बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी दूसरी मुझे अपनी दोस्त पसंद है हीरा हीरा खान हाँ वो आपके साथ है आजकल आजकल नहीं मतलब काफी देर से है लेकिन मैं ज्यादा वीडियोस नहीं लगाती नजर लग जाती है ना